हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी मैं दिख नहीं रही हूँ, मम्मी आपको दिख रही हैं क्योंकि आज है छठ पूजा। तो सभी को छठ की बहुत बहुत बधाई। मम्मी आप भी सबको दे दीजिए ब्लेसिंग्स। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, छठ माता की कृपा सब पे बनी रहे, सब लोग खुशहाल रहे अपने घर में। सो मम्मी जो हैं अभी 4 डिग्री टेम्परेचर में छठ की पूजा कर रही हैं स्वीडन में, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी आई थी, डिलीवरी हुई है अभी, मेरी बेटी हुई है। तो बट मम्मी का जो वीज़ा है अभी तक आया नहीं है, तो उस वजह से मम्मी को यहाँ पे छठ पूजा करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो थी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जो कि छठ पूजा में साफ़ सुथरी चाहिए होती हैं, बर्तन, खीर पूड़ी बनता है, चूल्हा बना के घर पर मम्मी करती थी, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो हमने जो भी हमारे पास था उससे पूजा करने की कोशिश की है कि सब अच्छे से हो जाए। तो मम्मी को बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मम्मी 25-30 साल से लगातार छठ की पूजा घर पे कर रही हैं। और आप लोग ने अगर मेरा पहला व्लॉग देखा होगा, मैं आई बटन में डाल दूंगी, तो देखना आप कितने अच्छी तरीके से घर पे पूजा होती है। घर के सामने ही हम लोग गड्ढा करके पूरा उस पर खड़े होते थे, बट घर में जुटते थे सभी, सब लोग इकट्ठा होते, सारे रिलेटिव्स। पर इस बार सब लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि मम्मी हैं कहाँ, कब आएंगी, कब पूजा होगी, और सबको बहुत ही सूना सा लग रहा है इस बार। तो मम्मी बहुत दुखी हैं। कोई बात नहीं मम्मी, आप खुशी खुशी होकर पूजा करिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतने सालों में एक बार विदेश में भी पूजा भगवान भी तो देखते हैं ना, अगर मैं आपको विदेश में रखती हूँ और फिर आप पूजा कैसे करती हैं, है ना? सब उन्हीं की कृपा है, चाहे देश में पूजा लें चाहे विदेश में पूजा लें, सब उनकी कृपा। वही वही बात है। मैं फूल लेके आई, और यहाँ बालकनी में हमने थोड़ी सी बेदी बनाई है जहाँ पे दिया वगैरह रखते हैं। आप बताइए मम्मी सबको, जो सामान उपलब्ध न हो जहाँ पे, तो श्रद्धा हो तो पूजा हो जाता है किसी तरह। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हम लोग किए हैं। ये देखिए यहाँ पे इतनी जोर से हवा चल रही है कि दिया बार बार बुझ रहा है। 4 डिग्री टेम्परेचर में मम्मी बिना स्वेटर के बैठी हुई है। सब माता जी की कृपा है। थोड़ा सा मैंने बालकनी को डेकोरेट कर दिया है ताकि थोड़ा तो फील आए। और यहाँ पे सुबह हमने बनाया है ठेकुआ, जो कि मेन प्रसाद होता है छठ पूजा का। और ये है चना, और यहाँ है थोड़े ड्राई फ्रूट्स, और ये बेदी बनाई जिसपे फूल वगैरह मैं भी लेके आई, यहाँ लगाया। और अभी ऑटम के लीव्स थे तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और हवा देख सकते हैं कितनी ज़ोर ज़ोर से चल रही है, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है मम्मी 4 डिग्री टेम्परेचर में स्वीडन में पूजा। अभी आपको तो कोई देख नहीं रहा है, वीडियो ही बाद में देखेंगे लोग। तो सभी घर वालों को के लिए आप पूजा कर रही है ना, इसी की पूजा होती है, तो सबको आशीर्वाद दे दीजिए वीडियो से ही। सबको वीडियो भेज देना, सबको आशीर्वाद, सब लोग जहाँ भी रहे सुखे रहे खुश रहे। तो अभी 3:40 पे जो है सूर्यास्त होगा, तो उसकी डूबते हुए सूरज की पूजा करनी है आज, तो इसी के लिए हम लोग बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। और दिखाती हूँ इस डायरेक्शन में जो है सनसेट होगा, तो अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं। आज तो मौसम फिर भी सही है, सूर्य भगवान निकले भी थे सुबह। कल तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, बहुत ज़्यादा बारिश और अंधेरा था, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है कल के कंपैरिजन में। सुबह सनसेट होता है तो आप लोग को दिखाते हैं। ना छोटी छठी मैया हमनी से बरत दो हार, हमनी से बरत दो हार, तहरी भरोसा हमनी के छुटी नहीं छठ के त्योहार। सिंदूर चढ़ाते मम्मी, अपनी सरणी रखिया। बहुत मुश्किल है यहाँ पे आम का पत्ता मिलना। सभी इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है कि मम्मी बैठ ही नहीं पा रही थी, किसी तरह मैंने शॉल दिए मम्मी को, और यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट डाला है क्योंकि इतनी जोर से हवा आ रही थी कि पूरा दिया भी बुझ जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 डिग्री टेम्परेचर है। अभी ढलना शुरू हो गए, अभी इधर पे दिखेंगे थोड़ी देर में, खिड़की पे दिख रही है ना रोशनी, सनसेट हो रहा है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे दिखेगा, बहुत ही सुंदर सा होता हुआ, अभी दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ मम्मी खड़ी हैं लेके दिया, और ये पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, इसमें हम लोग गर्म पानी मिला रहे हैं। देखिए मम्मी, मैं पहले देख लूँ कितना है, फिर आप पैर रखिएगा ना, रुके रुके पहले मुझे चेक कर लूँगी। हाँ एकदम सही है।
करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। सूर्य अस्त हो गया है और मम्मी की भी जो शाम की पूजा थी सूर्यास्त की वो भी हो गई है। सो अभी मम्मी ने अर्घ दे दिया है, रिमन ने और मैंने दिया है। सो कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो नहीं लगा, पर ठंडा लगा। हाँ, पर ठंडी में फास्ट हो गया है, बहुत ठंडा है। तो बस अब हम लोग घर में जा रहे हैं। शाम की पूजा तो यहाँ पे हो गई थी, अभी हमें सब कुछ हटा दिया है यहाँ से। और ये देखिए चांद कितने प्यारे दिख रहे हैं यहाँ पे आज। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी मम्मी पूरी तैयारी करी हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। सुबह सुबह हम लोग भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं पूजा करने के लिए। तो मम्मी स्वीडन में पहली छठ पूजा कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही, जितना मैं सोच रही थी उससे अच्छी हो गई। हमने तो सोचा ही नहीं था ना, बस भगवान कराते गए। सब सोचा उससे भी अच्छा हुआ है ना। डर रही थी कैसे करूंगी भगवान कैसे करूंगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, सब काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इतनी ठंडी में सबसे कड़ी तपस्या वाली पूजा आज ही हुई है। आप बोल रही है ना, आपके मुँह से धुआं निकल रहा है, इतनी ठंडी है वो दिख रहा है, महसूस नहीं हुआ? 24 घंटे का 48 घंटे का व्रत है, मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो है। हम लोग को भी इतना अच्छा लगा कि मतलब बिना कुछ प्लान किए इतने अच्छे से पूजा हो गई। ये देखिए यहाँ पे हमने वेदी बनाई थी और बस जैसा भी था, सूर्य भगवान उतने तो नहीं उगे दिख रहे थे यहाँ से, बट जो लाली माँ थी बहुत, लेकिन यहाँ थोड़ा पड़ रहा है। हाँ, पूरा एग्जैक्टली नहीं दिख रहे। और जहाँ पे पूजा कल शाम को की थी आज ही करनी होती है दूसरे दिन भी, इसलिए हम लोग वहाँ जा भी नहीं सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ जे ब्लॉग।